फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड थर्ड में वर्कबुक में यूनिट 7 है उसकी जो वर्कबुक में जो एक्सरसाइज है वो आज हम करेंगे। तो बच्चों ओपन द वर्कबुक एंड पेज नंबर 57। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज आई इन द पोएम। तो बच्चों इस पोएम में आई कौन है? तो बच्चों हमने इस पोएम में सीखा था कि पप्पी, पप्पी मीन्स जो डॉग का बच्चा होता है उसको पप्पी कहा जाता है। तो पप्पी एंड आई मीन्स वो जो पोएट है, जिसने पोएम लिखी है जो पोएट है वो एक एक बच्चे की तरह है तो वो आई है। तो बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, आई इन द पोएम इज अ स्मॉल चाइल्ड वो हैज रिटन दिस पोएम। हम जो आई इसको कहेंगे जो एक छोटा सा बच्चा है जो इस पोएम लिखी है। तो बच्चों मैंने सबसे पहले ही आपको ये जो वर्कबुक है उसमें मैंने आंसर लिखकर ही दिया है। मैं आपको एक बार अभी समझाऊंगी और आपको समझकर अपने आप आपको लिखना है। तो फर्स्ट का आंसर आएगा आई इन द पोएम इज अ स्मॉल चाइल्ड वो हैज रिटन दिस पोएम, यानी कि आई वो है जो एक पोएम लिखी वो छोटा सा बच्चा है। नेक्स्ट है वेयर वॉज द मैन गोइंग। मैन मीन्स वो जो पर्सन था वो कहाँ जा रहा था? तो वो विलेज के निचले भाग में वो सम ब्रेड मीन्स रोटी लेने के लिए जा रहा था। तो बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द मैन वॉज गोइंग टू विलेज टू गेट सम ब्रेड। वो कुछ ब्रेड लेने के लिए गांव के नीचे की तरह जा रहा था। नेक्स्ट है वेयर वॉज द हॉर्स गोइंग। हॉर्स कहाँ जा रहा था? तो बच्चों है मीन्स जो सूखी घास होती है उसको कहा जाता है। तो वो जो घोड़ा है वो हॉर्स है वो अपने लिए कुछ सूखी घास लेने के लिए वो गांव की तरफ जा रहा था। तो बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, मैंने आपको लिख कर दिया है, मैं अभी आपको समझाती हूँ, आपको बाद में समझकर अपने आप लिखने हैं। यदि आपको समझ में ना आए तो मैं आपको PDF भी सेंड करूँगी तो आप PDF में भी देखकर लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों व्हाई डिड द चाइल्ड गो विद द हॉर्स। व्हाई डिडंट द चाइल्ड विद द हॉर्स, जो बच्चा है वो हॉर्स के साथ क्यों नहीं जाना चाहता? वो बच्चा वो हॉर्स के साथ क्यों नहीं जाना चाहता? बिकॉज वो जो घोड़ा है वो विलेज के साइड जा रहा है, यानी कि अपने लिए सूखी घास लेने के लिए जा रहा है और बच्चे को खेलना है इसलिए वो जाना नहीं चाहता। तो हम बच्चों इसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, बिकॉज ही वॉज गोइंग टू द विलेज टू गेट सम हे। वो सूखी घास लेने के लिए अपने लिए जा रहा है इसलिए वो बच्चा उसके साथ जाना नहीं चाहता। नेक्स्ट Where was the puppy going? पप्पी मीन्स जो डॉग का बच्चा है पप्पी, वो कहाँ जा रहा था? तो वो पप्पी था वो हिल मीन्स जो पहाड़ी होती है हिल, वहाँ वो खेलने के लिए जा रहा था। तो बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द पप्पी वॉज गोइंग अप इन द हिल्स टू द प्ले। मीन्स ये वो जो पहाड़ी है वहाँ पप्पी जा रहा था इसलिए हमने इस पोएम में सीखा था कि बच्चा उसके साथ जाना चाहता था। तो हम उसका आंसर इस तरह लिखेंगे, द पप्पी वॉज गोइंग अप इन द हिल्स टू प्ले। नेक्स्ट है बच्चों 6 नंबर का आंसर, व्हाई डिड द चाइल्ड गो विद द पप्पी। Why did the child go with the puppy? वो बच्चा था वो पप्पी के साथ क्यों जाना चाहता था? तो बच्चों हमने इस पोएम में सीखा था कि वो जो
वो जो पप्पी था वो हील्स टू रोल एंड प्ले, वो रोल मीन्स रगड़ना, रगड़ने के लिए और खेलने के लिए वो हील पर जा रहा था, मीन हील पर से सबसे पहले हील पर जाना, हील रगड़ रगड़ वापस आना। तो ये जो था वो चाइल्ड को अच्छा लगा, इसलिए वो पप्पी के साथ जाना चाहता था। तो बच्चों उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द चाइल्ड गो का बच्चों वेंट होगा पास्ट, बिकॉज आगे डिड है। द चाइल्ड वेंट विद द पप्पी बिकॉज इट वॉज गोइंग अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले। तो बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी इन द बॉक्स। हमें कुछ ऑप्शन दिए हैं तो हमें सही चुनकर वो जो बॉक्स है इसमें लिखना है। बच्चों मैंने लिख कर भी दिया है और जो सही आंसर है उस पर मैंने राउंड किया है, सर्कल किया है, तो आपको ये सही आंसर है। तो आपको ऐसे बच्चों सर्कल नहीं करना है, लेकिन जो बाद में जो बॉक्स है इसमें आपको लिखना है। फर्स्ट है द मैन वॉज गोइंग टू, तो वो मैन कहाँ जा रहा था और क्यों जा रहा था, तो वो विलेज की तरफ नीचे की तरफ जा रहा था और कुछ ब्रेड लेने के लिए, रोटी लेने के लिए जा रहा था। तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी, तो मैंने आपको वहाँ सर्कल कर दिया है, तो आपको बॉक्स में लिखना है सी, द मैन वॉज गोइंग टू गेट सम ब्रेड। नेक्स्ट है द हॉर्स वॉज गोइंग टू, वो घोड़ा क्यों जा रहा था, तो हॉर्स अपनी सूखी घास लेने के लिए जा रहा था। तो बच्चों ऑप्शन आएगा ए, गेट सम हे मी सूखी घास। नेक्स्ट द पप्पी वॉज गोइंग, वो पप्पी कहाँ जा रहा था, तो अप इन द हिल, जो हिल पर इसके ऊपर जा रहा था, तो बच्चों ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट द पप्पी वॉज गोइंग टू रोल एंड प्ले, वो पप्पी रोल एंड प्ले करने के लिए, मीन्स रगड़ने के लिए और खेलने के लिए जा रहा था, तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट द चाइल्ड वेंट विद द पप्पी, वो जो बच्चा था वो पप्पी के साथ जाना चाहता था, तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट विच वर्ड इन द पोएम राइम विथ वॉकिंग, तो बच्चों राइमिंग वर्ड आएगा टॉकिंग, तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी, मैंने कंप्लीटली सर्कल कर दिया है, तो आपको सी पर सर्कल करना है। बच्चों टर्न द पेज 58। विच वर्ड इन द पोएम राइम विद सेड, तो बच्चों ऑप्शन आएगा डी, बी आर ई ए डी ब्रेड, हमने पोएम के हिसाब से राइमिंग वर्ड लिखना है। नेक्स्ट है विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विद आई, तो बच्चों हम ऑप्शन लिखेंगे ए, बाय। नेक्स्ट विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विद टुडे, तो बच्चों ऑप्शन आएगा डी, हे। नेक्स्ट विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विद प्ले, तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी, डे। तो आपको मैंने सर्कल कर दिया है, तो आपको वो जो बॉक्स में है अपनी तरह वो सही आंसर लिखना है। नेक्स्ट है बच्चों ब्राइट टू राइम वर्ड्स, तो मैंने आपको लिख कर दिया है, यदि आपको उससे कोई ज्यादा वर्ड्स आपके समझ में है तो आप लिख सकते हो। हील तो पील स्टील, हे ब्रे प्ले, गेट मेट वेट, गोइंग ब्लोइंग थ्रोइंग, हेयर बेल चेयर, तो आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट बच्चों राइट अबाउट 5 सेंटेंसेस ऑन माय पेट, आप जिसे अपने घर पेट मीन्स पालतू प्राणी जो हमारी मदर टंग में कह सकते कि जिसको हमें गैर वो जो एनिमल की बहुत केयर करते हैं उसको पेट कहा जाता है, उस पर हमें 5 या 6 सेंटेंस लिखने हैं, तो हम आज लिखेंगे। बच्चों मैंने जनरली देखा है कि कई जो लोग हैं वो अपने घर एक छोटी सी बिल्ली यानी कि कैट
पालते हैं। तो हम लिखेंगे आई हैव अ पेट कैट, मेरे पास एक पालतू बिल्ली है। हर नेम इज मिनी, उसका नाम मिनी है। मिनी इज वाइट इन कलर, उसका जो रंग है वो वाइट है। शी लाइक्स टू ड्रिंक मिल्क एंड ईट बिस्किट, उसको दूध पीना और बिस्किट खाना पसंद है। आई गिव हर अ बाथ एंड कॉम हर फर, मैं उसको बाथ कराता हूँ और उसकी जो फर मीन्स उसकी जो बॉडी है उस पर मैं कॉम करता हूँ। शी एन्जॉयज प्लेइंग इन वाटर, वो पानी में बहुत एन्जॉय करती है। इन द इवनिंग वी प्ले इन द गार्डन, वो शाम को मेरे साथ खेलने आती है। मिनी स्लीप्स इन माई रूम, मिनी मेरे साथ मेरे रूम में सो जाती हो। तो आप अपनी तरह भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों, रीड द लाइन्स इन फिल इन द ब्लैंक। रीड द लाइन्स इन द मेरी हेयर अ लिटल लैम, इट्स फेस वॉज वाइट एज स्नो एंड एवरीवेयर देयर मेरी वेंट द लैम वॉज श्योर टू गो। It went with her to school one day. It went her to school one day. That was against the rule. It made the children laugh and pain. Play to see a lamb at school. यहाँ बच्चों lamb, तो lamb किसको कहा जाता है? तो जो sheep होता है, sheep का जो बच्चा होता है उसको lamb कहा जाता है। तो Mary के पास एक छोटा सा lamb है, उसकी यहाँ बात की है ये। तो मेरी है अ लिटल लैम, तो बच्चों हम लिखेंगे 100 पेज नंबर 59 पर मेरी लिटल लैम, मेरी के पास छोटा सा लैम है। मीन्स शीप मीन्स हम उसको कहते हैं गेटू, तो उसका छोटा सा बच्चा है। द लैम प्लीज वॉज वाइट ए स्नो, उसकी जो चमड़ी है वो कैसी है? स्नो जैसी, यानी कि वाइट स्नो होता है उसके जैसी होती है। द लैम वेंट एवरी विथ मेरी, जो वो लैम है वो सभी जगह मेरी के साथ होता है। द लैम वेंट टू स्कूल वन डे, एक दिन वो लैम था वो स्कूल गया। किसकी स्कूल? मेरी की स्कूल। द लैम मेड द चिल्ड्रन लाफ एंड प्ले, बच्चे उसके साथ खेलने लगे और हंसने लगे। लाफ एंड प्ले, तो आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों, नेम द एनिमल इन द बॉक्स गिवन ब्राइट, डी फॉर डोमेस्टिक एनिमल एंड डब्ल्यू फॉर वाइल्ड एनिमल। तो आपको मैं सिर्फ एनिमल्स के नाम लिखाती हूँ और बॉक्स में जो डोमेस्टिक एनिमल है तो वहाँ आपको डी करना है। वाइल्ड में जंगली एनिमल से जंगली प्राणी है तो आपको डब्ल्यू करना है। तो फर्स्ट बच्चों कैमल, कैमल वो डोमेस्टिक है। सबसे पहले जो पिक्चर है वो कैमल का है तो वहाँ आप डी कर सकते हो। उसके बाद एक काव, काव भी डोमेस्टिक है तो आप डी कर सकते हो। उसके बाद लायन, लायन वाइल्ड एनिमल है तो आपके आप उस पर डब्ल्यू कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों बफेलो, बफेलो डोमेस्टिक है तो आप डी कर सकते हो। बियर मीन्स भालू, रिंच तो वो वाइल्ड एनिमल है तो आप डब्ल्यू कर सकते हो। हॉर्स वो भी डोमेस्टिक है तो वहाँ आप डी कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों मंकी, मंकी डोमेस्टिक है तो आप डी कर सकते हो। डियर हिरन,
तो आप डब्ल्यू कर सकते हो। एलिफंट तो वो जंगली है तो आप डब्ल्यू कर सकते हो। तो बच्चों आप जो बॉक्स है उसमें डी और वी आपको अपनी तरह करना है। बच्चों टर्न द पेज, सबसे पहले है डोंकी तो वो डोमेस्टिक है तो आप डी कर सकते हो। शिप वो भी डोमेस्टिक है तो आप डी कर सकते हो। नेक्स्ट है टाइगर तो वो वाइल्ड एनिमल है तो आप डब्ल्यू कर सकते हो। गॉट वो डोमेस्टिक है तो डी कर सकते हो। वुल्फ मिस वरु तो डब्ल्यू आएगा। रैबिट डब्ल्यू आई सॉरी डी आएगा। नेक्स्ट है बच्चों फिल इन द ब्लिंक्स ब्लैंक विद द साउंड ऑफ एनिमल्स। ये जो एक्सरसाइज कई बार आगे आ चुकी है फिर भी हम आज फिर से करेंगे। डोंकी तो डोंकी की आवाज कैसी होती तो मैंने आपको लिख कर दी है BRAY ब्रेस। बियर की GROWLS ग्राउल्स। कैट की म्यूस होती है। मंकी की चैटर्स होती है। हॉर्स की ने होती है। लायन की रोर्स होती है। गोट की ब्लिट्स होती है। वुल्फ की हाउल्स होती है। एलिफेंट की ट्रम्पेट्स होती है। कैमल की ग्रंट्स होती है। काउ की मूस होती है और डॉग की बार्क्स होती है। तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब नेक्स्ट है बच्चों टर्न द पेज नंबर 61। तो बच्चों वो जो एक्सरसाइज है वो हम हमारी जब अगली वीडियो आएंगी तो उसमें हम करेंगे। तो मैंने आपको बच्चों जो जो एक्सरसाइज के रूप में दिया है तो आपको ऐसे करना है। यानी कि मैंने आपको वो जो डोमेस्टिक एनिमल एंड जो वाइल्ड एनिमल आपको लिख कर दिया है और वो जो बॉक्स है उसमें आपको अपनी तरह जहाँ भी जो भी एनिमल डोमेस्टिक है जिसको हम घर पे रख सकते पाल सकते वहाँ आपको डी करना है। और जो जंगली है यानी कि जंगल में रहते वहाँ आपको डब्ल्यू करना है। उसके पहले माय पेट मीन्स पालतू प्राणी। जो भी आप अपने घर पर पालते उसका नाम लिखकर आपको उस पर 5 या 6 सेंटेंस मैंने आपको लिख कर दिया है फिर भी आपको अपनी तरह लिखना है। तो बच्चों जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगी इसमें लिटिल टाइगर और बिग टाइगर एक जो बड़ा टाइगर एंड छोटा बाघ की जो बात थी उसकी जो एक्सरसाइज थी वो हम करेंगे। आपको उसके पहले जो भी आंसर आपको याद हो समझ में हो तो आप अपनी नोटबुक में लिखकर बैठ सकते हो क्योंकि आपको भी समझ में आए कि मुझे ये समझ में आया है कि नहीं। तो बच्चों हम हमारी जब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम दूसरी जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। तो बच्चों थैंक यू।